नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय। और जैसा कि आप लोग अब तो जान ही चुके हैं कि जब भी मेरे जानकारी में कोई ऐसी चीज आती है जो आपके फायदे के लिए हो, आपके लिए जानना जरूरी हो, तो मैं उस चीज की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उतने अपडेट नहीं रह पाते हैं, लेकिन जानना तो देखिए सभी के लिए जरूरी है। तो इसलिए मैं 2 घंटे 4 घंटे एक दिन लेट ही सही, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचा ही देता हूं। तो आज जिस बात के लिए मैं आया हूं, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है पिछली वीडियो में, कि इस बार जो उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम होगा, यानी PCSJ का जो एग्ज़ाम आप UP का देंगे, उसमें सिलेबस में थोड़ा बदलाव हुआ है। मैंने पहले भी ये बात की चर्चा की थी कि जो इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का हुआ करता था, अब वो पेपर 200 नंबर का नहीं होगा, बल्कि हिंदी और इंग्लिश के 100-100 नंबर के 2 पेपर बना दिए जाएंगे। अब उसमें आएगा क्या? कुछ बच्चों के फ़ोन और मैसेजेस मुझे इसी बात को लेकर आ रहे हैं कि हिंदी के पेपर में आखिर पूछेगा क्या। कोई अंतर नहीं, जैसे कि आप हिंदी के इंग्लिश के पेपर में आप 100 नंबर में 50 नंबर का एसे राइटिंग होगा, फिर उसमें 30 नंबर का प्रेसाई राइटिंग होगा, और उसमें 20 नंबर का जो है ट्रांसलेशन होगा। कुल 100 नंबर होगा। सेम वही चीज़ हिंदी के पेपर में भी होगा। 50 नंबर का जो होगा वो निबंध होगा, और फिर 30 नंबर का जो होगा वो प्रेसाई राइटिंग होगा, यानी सारांश लिखना होगा, और 20 नंबर का जो होगा वो ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश टू हिंदी, और इंग्लिश वाले पेपर में हिंदी टू इंग्लिश। तो इस तरीके से ये वाले पेपर का विवरण रहा। कुछ और भी उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2022 के द्वारा कुछ और भी बदलाव किए गए हैं, उनकी भी चर्चा मैं कर देता हूं। जैसे विकलांग के लिए 4 प्रकार के विकलांगों की श्रेणियां जो बनाई गई हैं, उसमें 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक और अपडेट उसमें और है, सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और जैसे आप जब लास्ट पेपर देते थे जिसमें लोकल लॉ का भी सब्जेक्ट आता था, यानी आप उसमें देते थे जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951, अब वो पेपर देने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी जगह पर अब लैंड रेवेन्यू कोड 2006 का पेपर देना होगा। तो ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि ये तो हमने जमींदारी एवोल्यूशन पढ़ा और उसकी जगह पर ये रेवेन्यू कोड आ गया। बहुत प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप रेवेन्यू कोड उठा के पढ़िएगा। जिन लोगों ने जमींदारी एवोल्यूशन का को पढ़ा है अच्छे से, वही लगभग सारे प्रोविजन इस कोड में भी है, तो बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। और हमने जो लोकल लॉ की वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड की है नोट्स बना के, इसमें रेवेन्यू कोड या जमींदारी एवोल्यूशन पर मैंने इसीलिए लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि कन्फ्यूजन था कि इस बार क्या आएगा। मुझे उम्मीद थी कि इस बार रेवेन्यू कोड आएगा, लेकिन चूंकि श्योर था नहीं, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं डाली थी। अब भी जब भी समय मिल पाएगा, मैं आप लोगों की परीक्षा से काफ़ी पहले रेवेन्यू कोड की भी वीडियो नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। एक और बदलाव, पहले उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1972 का जो है वो भी आता था, लेकिन अब उस एक्ट को हटा दिया गया है, यानी अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बदलाव क्या हुए? जमींदारी एवोल्यूशन की जगह पर रेवेन्यू कोड हो गया और किराएदारी को ख़त्म कर दिया गया, ये बदलाव हुआ। तो इसी तरीके की कुछ बदलाव जब भी होंगे, कुछ भी आप लोगों के लिए अपडेट रहेगा, मैं ज़रूर आऊँगा। वीडियो फालतू लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात थी, मुझे बताना था और मैं आ गया हूँ। थैंक यू, फिर कुछ बात होगी तो मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।